बड़ी खबर आ रही है, इसराइल ईरान युद्ध पर अमेरिका का बयान। अमेरिका ईरान से संघर्ष नहीं चाहता है, अमेरिका ईरान से संघर्ष नहीं चाहता। यूएस के रक्षा सचिव, अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का यह बयान। इसराइल में यूएस नागरिकों की रक्षा करेंगे, लॉयड ऑस्टिन ने यह बात कही है। तो दो अहम बयान इस वक्त आए हैं। ईरान की ओर से यह कहा गया है कि उसने फिलहाल अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है, जो कि उम्मीद से बेहतर कामयाब रहा है। वहीं अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अमेरिका ईरान से संघर्ष नहीं चाहता है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, दो बड़ी खबरें आई हैं, ईरान के बयान को सबसे पहले किस तरह से डिकोड किया जाए, क्या कह रहा है ईरान? देखिए, ईरान का यह कहना है कि उनका ऑपरेशन सफल रहा। ईरान का यह मानना है कि जिस तरह से, क्योंकि ईरान का यह आरोप था कि इसराइल ने दमिश्क में उनके वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जिसमें उनके कमांडर की मौत हुई और उसका बदला ईरान की तरफ से लिया गया है। हालांकि इस हमले की पुष्टि इसराइल की तरफ से नहीं की गई थी, ना ही इस हमले की खबर को खारिज किया गया था। लेकिन ईरान जिस तरह से बीती रात इसराइल पर हमला करता है, उसके बाद से अब इस बात की गुंजाइश लगातार बनी हुई है कि इसराइल जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा। और ईरान इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, इसराइल के साथ। तो ऐसी स्थिति में ईरान यह कह रहा है कि उसका ऑपरेशन खत्म हो गया है। ईरान यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो और ज्यादा इस तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता है। लेकिन ईरान की तरफ से हमले का जब प्रयास किया गया, कई मिसाइलें दागी गई और इसके अलावा ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया गया, तो इसराइल इसका जवाब जरूर देगा। हालांकि अमेरिका इसमें अभी फिलहाल एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि शांति बनाए रखने की अपील पर ज्यादा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी।